गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 10 ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर बुक। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट एडवर्ब्स। इट्स मीन्स क्रिया की विशेषता कि कोई काम कैसे हो रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। द म्यूजिशियंस आर प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट्स स्किलफुली। संगीतकार संगीत के यंत्रों को बहुत ही सफाई से बजा रहे हैं। राहुल इज सिंगिंग मेलोडियस। राहुल मीठा गा रहा है। लुक द गर्ल्स आर डांसिंग ग्रेसफुली। देखो लड़कियां बहुत सुंदर डांस कर रही हैं। प्लीज स्पीक स्लोली। कृपया करके धीरे बोलो। नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो ईच ऑफ देम। पिक्चर्स, नीचे दी गई पिक्चर्स को देखो और उनके नीचे जो सेंटेंसेस राइट कर रखे हैं उनको रीड करो। ओके, फर्स्ट है हमारा, सिया राइट्स नीटली। सिया सफाई से लिखती है। द डॉग बार्कड लाउडली। कुत्ता जोर से भौंका। नेक्स्ट है, द गर्ल्स सिंग स्वीटली। लड़कियां मीठा गाती हैं। द चाइल्ड वाज क्राइंग बिटरली। बच्चा दुखी होकर रो रहा था। ऑल द हाईलाइटेड वर्ड्स आर एडवर्ब्स एंड शो हाउ एन एक्शन इज डन। जो सारे हाइलाइटेड चमकते हुए वर्ड्स हैं, जैसे स्वीटली, बिटरली, नीटली, लाउडली, ये सभी वर्ड्स क्या हैं? एडवर्ब्स हैं, जो हमें बताते हैं, दिखाते हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है, कैसे कर रहा है। द सेंटेंसेज रिटन बिलो द पिक्चर्स टेल। जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं, वो पिक्चर्स के नीचे जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं वो हमको बताते हैं। हाउ डज सिया राइट, कि सिया कैसे लिखती है। हाउ डू द गर्ल्स सिंग, लड़कियां कैसे गाती हैं। हाउ डिड द डॉग बार्क, कुत्ता कैसे भौंका। हाउ वाज द चाइल्ड क्राइंग, बच्चा कैसे रो रहा था। ओके, तो ये सारे एन एडवर्ब्स एड सम मीनिंग टू ए वर्ब। ये जो एडवर्ब्स होते हैं वो उनका मतलब होता है कि कोई काम कैसे हो रहा है। एन एडवर्ब्स टेल्स हाउ एन एक्शन इज डन। एडवर्ब्स हमें बताते हैं कि कोई काम कैसे कर रहा है। ए पार्ट, सर्कल द एडवर्ब्स इन सेंटेंसेस गिवन बिलो। सर्कल लगाओ एडवर्ब्स पर जो नीचे दिए गए हैं। द मैन इज फाइटिंग ब्रेवली, आदमी कैसे लड़ रहा है ब्रेवली, तो ये आपने सर्कल लगाना है। द बर्ड्स आर चिरपिंग स्वीटली, तो ये स्वीटली पे आपने सर्कल लगाना है। द बॉय एंटर्ड द रूम, लड़का कमरे में कैसे आया, साइलेंटली। ग्रैंडपा वॉक्ड स्लोली। द चिल्ड्रन वर लाफिंग लाउडली। तो इस तरह से आपने एडवर्ब्स पे सर्कल लगाना है। सेकेंड है आपका बी पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट एडवर्ब्स गिवन बिलो। ब्लैंक्स को फिल करो नीचे दिए गए एडवर्ब्स, करेक्ट एडवर्ब्स की सहायता से। तो देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखे हैं, एडवर्ब्स दे रखे हैं, आपने ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट है हमारा, हीना वाज ए हैप्पी चाइल्ड। हीना एक खुश मिजाज लड़की बच्ची थी। शी प्लेड हैप्पली, वो कैसे खेली हैप्पली। द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली। नेक्स्ट है हमारा, द टोटॉइज वॉक्ड स्लोली, ठीक है। द बर्ड्स वर चिरपिंग स्वीटली। दे वेलकम्ड देयर गेस्ट वार्मली। द बॉय वॉज सिंगिंग मेलोडिली। द पुअर मैन वॉज ईटिंग हंगरली। तो इस तरह से आपने करेक्ट एडवर्ब्स चूज करके इसमें फिल करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स फिल करने के लिए आपको कुछ रूल्स माइंड में रखने होंगे। ये रूल्स इधर दे रखे हैं। आपका है, एडवर्ब्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू द एडजेक्टिव। एडवर्ब को फिल कर सकते हैं ly ऐड करके। ओके, एग्जांपल के लिए देखो, स्वीट स्वीटली, वार्म वार्मली, स्लो स्लोली, लाउड लाउडली। इस तरह से आपने ly ऐड करके एडवर्ब्स फिल करना है। सेकेंड रूल है, इफ द एडजेक्टिव एंड इन वाई वी रिप्लेस इट विद आई एंड देन एड एल वाई। अगर आपका एडजेक्टिव का ला एंड वाइस से होता है तो आपने उसकी जगह पे आई लिखना है और फिर एल वाई ऐड करना है। ये रूल है सेकेंड।
थर्ड है इफ द एडजेक्टिव एंड इन ई वी एड ओनली एल वाई, अगर आपका एडजेक्टिव का एंड ई से होता है तो हम क्या ऐड करेंगे ई के साथ एल वाई। ओके, इस तरह से जैसे एग्जांपल देखो, वाइस वाइसली, नाइस नाइसली, इसका वाइस का एंड ई से हो रहा है तो आपने एल वाई ऐड करना है, नाइस का एंड ई से हो रहा है तो आपने एल वाई ऐड करना है। इस तरह से आपने ये थ्री रूल्स आपने फॉलो करने हैं। ओके, सी पार्ट है फॉर्म एडवर्ब्स विद द फ्लोइंग एडजेक्टिव्स। ठीक है, नीचे दिए गए एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब्स ऐड करो। तो कैसे, एंग्री, एंग्री है इसका एंड वाई से हो रहा है तो आपने वाई की जगह पे आई लिख के एल वाई ऐड करना है। तो ये आपका सेकंड रूल था, इफ द एडजेक्टिव एंड वाई वी रिप्लेस इट विद आई एंड देन ऐड एल वाई। ऐसी है आपका सेकंड काइंड, इसमें ना तो एंड वाई से हो रहा है ना ही एंड ई से हो रहा है, आपका ये सिंपली है तो आपने सिंपली एल वाई ऐड करना है। ऐसी है क्विक, क्विकली, आपका इसका एंड के से हो रहा है क्विकली। सेफ, अब इसका एंड आपका ई से हो रहा है तो आपने क्या करना है, ई के बाद एल वाई ऐड करना है, ये आपका थर्ड रोल था। ओके, ऐसी है बेड, सिंपली बेडली, ऑनेस्ट ऑनेस्टली, सैड सैडली, ब्राइट ब्राइटली। तो इसमें कोई भी ना तो वाई वाला रूल है और ना ही ई वाला एंड हो रहा है तो आपने ये सिंपली एल वाई ऐड करना है, इस तरह से एडवर्ब ऐड करने हैं। ऑल एडवर्ब्स डू नॉट एंड इन एल वाई, सभी एडवर्ब्स एल वाई से एंड नहीं होते। तो देखो, सबसे पहले रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर, नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चन आंसर्स को रीड करो। हाउ डज सिया रन, सिया कैसे दौड़ती है, सिया रन्स फास्ट, सिया तेज दौड़ती है। सेकंड है आपका, सेकंड है आपका रूल, हाउ डज राहुल वर्क, राहुल कैसे काम करता है, राहुल वर्क्स हार्ड, राहुल बहुत मेहनत करता है। व्हेन डिड ही ईट डोसा, उसने कब डोसा खाया, ही एट डोसा यस्टरडे। व्हेन विल यू गो टू द मॉल, आप मॉल, तुम मॉल कब गए, आई विल गो टू द मॉल टुमारो, सॉरी कब जाओगे मॉल, तो मैं कल जाऊंगा। वेयर डज रशी स्लीप, रशी कहाँ सोती है, रशी स्लीप्स हेयर, यहाँ सोती है रशी, यहाँ सोती है। वेयर डिड शी सर्च हर पर्स, उसने अपना पर्स कहाँ खोजा, सी सर्च हर पर्स एवरीवेयर, उसने अपना पर्स हर जगह ढूंढा। इन द अबाउट आंसर्स, ऊपर दिए गए आंसरों में द हाईलाइटेड वर्ड, जो चमकते हुए वर्ड्स हैं, आर एडवर्ब्स, ये सारे एडवर्ब्स हैं। बट दीज एडवर्ब्स डू नॉट एंड इन एल वाई, लेकिन इन एडवर्ब्स का एंड एल वाई से नहीं होता है। तो इस तरह से आपने फिल करना है। डी पार्ट फिलिंग द ब्लैंक्स विद एडवर्ब्स, नीचे दिए गए ब्लैंक्स को एडवर्ब्स के साथ फिल करो। चूजन फ्रॉम द दोज देयर गिवन इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में दिए हेल्पिंग वर्ड दे रखे हैं, उनमें से चूज करके आपने ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट है आपका द सन शाइन्स डैश, तो यहाँ पे एवरीवेयर आएगा। ओके, कि सूरज हर जगह चमकता है। वी विल गो टू द कंसर्ट, हम कंसर्ट करने जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, सून, हम जल्दी ही मिलने जाएंगे। दे प्लेड ए गेम, तो क्या आएगा, उन्होंने क्या खेली, एक गेम खेली, कब खेली, यस्टरडे आएगा। ओके, द ट्रक ग्रम्बल्ड, ट्रक ने कैसे आवाज़ करी, लाउडली, माई मदर ऑलवेज वर्कड हार्ड। ओके, द प्लम्बर डैश फिक्स्ड द प्रॉब्लम, प्लम्बर इजली पे टिक लगाएंगे, इजली फिक्स द प्रॉब्लम। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, टू विजिट हियर, यहाँ हमसे मिलने, तो यहाँ पे आएगा हेयर। ही ड्राइव्स टू फास्ट, वो बहुत तेज भी चलाता है। द पपी वाज रनिंग डैश, तो अराउंड आएगा। एट 8 o'clock we walked dash upstairs, हम 8 बजे चल रहे थे, कहाँ पे चल रहे थे, upstairs सीढ़ियों पे।
तो इस तरह से आपने चूज़ करके करेक्ट एडवर्ब्स फिल करने हैं. ओके, तो आई होप आप सभी को एडवर्ब्स समझ आ गए होंगे. एडवर्ब्स का मीनिंग होता है कि कोई काम कैसे हो रहा है, कोई काम कैसे कर रहा है. एडवर्ब्स का मीनिंग क्या होता है कि एडवर्ब्स हमें बताता है कि कोई एक्शन कैसे हो रहा है. ओके, थैंक यू.